जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा हो रही है कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा, इनको गोवा का गवर्नर बनाया जाएगा। इसको लेकर कई सारी चर्चाएं हुई। द ट्रिब्यून नाम का जो अखबार है जो चंडीगढ़ से चलता है, उसमें जूलियो रिबेरो इनका एक आर्टिकल आया। उस आर्टिकल में उन्होंने ये कहा कि किस प्रकार से सुनील अरोरा को गवर्नर बनाया जाएगा और फॉल ऑफ द इसिस ऑफिस, इस टाइटल से उन्होंने ये वो लेख लिखा था। वो लेख आने के बाद विपक्ष की तरफ से भी बहुत कुछ बोला गया। उसके बाद सुनील अरोरा खुद सामने आए और उन्होंने इन बातों का खंडन किया है कि उन्हें गोवा का गवर्नर बनाया जा रहा है। यही बात हमने 2013-14 के बीच में जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी सताशिवम, इनको जब केरल का राज्यपाल बनाया जाने वाला था, उसके पहले जो चर्चा हो रही थी उसके बीच में भी हमने देखा था कि जब ये चर्चा हो रही थी तब पी सताशिवम इन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये चर्चा करना गलत बात है। लेकिन जब उन्हें राज्यपाल बनाया गया तब उनकी तरफ से ये बयान आया कि राज्यपाल बनाना क्या, बनाने में क्या गलत बात है। इसी प्रकार की ये जब चर्चा अभी हो रही है सुनील अरोरा को लेकर, तब सुनील अरोरा ये कह रहे हैं कि ये सारी चर्चाएं गलत है। लेकिन अगर राज्यपाल बनाया जाता है और ये जो चर्चा अभी हो रही है इसको लेकर हम वामन मेश्राम जी से बात करेंगे, जो कि बामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी उस पर राय लेंगे, वो किस प्रकार से देखते हैं इन सारी बातों को, सुनील अरोरा का चुनाव आयुक्त के तौर पर किस प्रकार से काम रहा है, क्या उनका बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम रहा, ये भी आरोप उन पर रहा है। ईवीएम को लेकर भी बहुत सारा जो आशंका है वो लोगों के मन में पैदा हुई थी, इसको लेकर बात करेंगे। सबसे पहले वामन मेश्राम जी, आप सभी, आपका स्वागत है एमएनटीवी के इस चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ कुमार काले सर है जो कि एमएनटीवी के मुख्य संपादक है। मेरा पहला सवाल वामन मेश्राम साहब से है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को गोवा का गवर्नर बनाए जाने की चर्चा शुरू है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यदि केंद्र सरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिटायर्ड होने के बाद गवर्नर बनाती है जी, तो इससे लोगों के मन में ये संदेश चला जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चुनाव में फायदा पहुंचाया होगा, इस वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बख्शिश के तौर पर नरेंद्र मोदी गवर्नर बना रहे हैं, ऐसा मैसेज जाएगा जी। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात होगी कि दूसरे भविष्य में जो अधिकारी है उनको ये मैसेज जाएगा कि यदि हम भी सुनील अरोड़ा की तरह चुनाव के साथ धोखाधड़ी करके अगर बीजेपी को मदद पहुंचाते हैं तो हमें भी गवर्नर बनाया जा सकता है, ऐसा भी मैसेज इसके द्वारा जाता है जी। और तीसरी ये बात ये है कि ये बहुत दुखद खबर मानी जा सकती है कि देश में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव अब भविष्य में होगा या नहीं होगा, इसके बारे में लोगों के मन में आशंका बहुत ज्यादा बलवती हो गई है। जूलियस रिबेरो का जो आर्टिकल है वो इसी बात को संकेत करता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और जस्टिस को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ऑडिटर एंड कंट्रोलर एजी को, ऐसी जो बहुत सारी महत्वपूर्ण पद है ऐसे लोगों को राजनीतिक पदों से दूर रखा जाना चाहिए। और ये राजनीतिक पदों से अगर दूर नहीं रखा गया तो लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा या हो चुका है। और ये परंपरा कांग्रेस ने शुरू की
कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण करने का काम कांग्रेस ने शुरू किया और बीजेपी उस पर देखा देखी अमल कर रही है। बीजेपी कहती थी, प्रचार करती थी पार्टी विद डिफरेंस कि हम अलग प्रकार की पार्टी है, मगर उसका पतन भी कांग्रेस से भी ज्यादा बुरी तरह से हो रहा है और वो भी संवैधानिक संस्थाओं को उसका भी दोहन कर रही है, शोषण कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, ऐसी बातें भी दिखाई दे रही है। इसलिए इस पर कानून बनाया जाना चाहिए जी। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव भारतीय मतदाताओं का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और इसलिए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी केस लेकर जाया जाना चाहिए और हम लोग इसके लिए कोशिश करेंगे आने वाले समय में। जी सर। इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए, इसके लिए भारत बंद का बड़ा आंदोलन भी करेंगे, ये बात इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जैसा आपने भी कहा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने की वजह से उनको बख्शीश के रूप में गोवा का गवर्नर बनाया जा सकता है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें से तमिलनाडु का चुनाव एक ही दिन में हुआ है और पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो 8 चरणों में हुआ। इसको लेकर भी आरोप लगे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐसा काम किया, सुनील अरोड़ा ने काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और कौन से फायदे ऐसे पहुंचाए हैं बीजेपी को जिसके बख्शीश के स्वरूप में उनको ये पदभार दिया जा सकता है? चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दौरान ईवीएम मशीन के संबंध में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी, अनियमितताएं समय समय पर ध्यान में आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसकी कोई निष्पक्ष जांच नहीं करवाई जी, और उसका कोई रिपोर्ट भारतीय जनता को, जो भारतीय प्रजा है, उनको देने का काम नहीं किया। पहला आरोप तो ये है क्योंकि तो अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और कोई इसका सबूत नहीं है। दूसरी बात, चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रोविजनल रिजल्ट घोषित किया जाता है, 2 महीने के बाद ऑथेंटिकेट रिजल्ट घोषित किया जाता है, वो ऑथेंटिकेट रिजल्ट भी अभी तक घोषित नहीं हुआ 2019 के चुनाव का जी। तीसरी बात, सितंबर के अंत तक यानी 6 महीने तक डाटा प्रिजर्व किया जाना चाहिए, ऐसा कानून है, मगर चुनाव आयोग ने 4 महीने में ही ईवीएम का डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया। ये आरोप भी सुनील अरोड़ा के ऊपर है क्योंकि उस डाटा के आधार पर घोटाला सबूत के आधार पर प्रूव किया जा सकता है जी। और ये बात, ये प्रमुख आरोप है जिसके आधार पर इन्होंने, सुनील अरोड़ा ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया। इसके पहले के जो चुनाव कमिश्नर थे उन्होंने 2004 में 2009 में कांग्रेस को फायदा पहुंचाया, उसका डाटा कलेक्ट करने के आधार पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था जी। और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया था। तो इसका मतलब है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव भारतीय मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इसको बहुत सारी आशंकाएं पैदा हो गई है सुनील अरोड़ा को बख्शीश देने के आधार पर। उस समय पी सदाशिवम को केरला का गवर्नर बनाकर, यानी उस समय मैनेजमेंट कांग्रेस ने किया था, चीफ जस्टिस को मैनेज करने का काम 2013 में यह जजमेंट आया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने उस समय मैनेजमेंट किया था। और 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो नरेंद्र मोदी ने पी सदाशिवम को बख्शीश के तौर पर गवर्नर बनाया था, कांग्रेस ने मैनेजमेंट किया था जी, और बख्शीश नरेंद्र मोदी ने दिया था। इसका मतलब है
ईवीएम मशीन के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे हैं, और ईवीएम मशीन का दोनों ही पार्टियों को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, इस सबूतों के आधार पर यह कहा जा सकता है। जी जी काले सर, सर इसमें जैसे ईवीएम के बारे में बहुत सारी अनियमितताएं, आवाज नहीं आ रही कुमार काले, बहुत धीरे से बोल रहे। आवाज आ रही है सर? और जोरा सा जोर से बोलो। सर सुनील अरोरा के समय में ईवीएम को लेकर काफी सारी गड़बड़ी। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। ईवीएम को लेकर बहुत सारी अनियमितताएं सुनील अरोरा के समय में बड़े बड़े चुनाव के दौरान देखने को मिली। लोकसभा के चुनाव में लगभग 373 कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिजल्ट को प्रोविजनल के तौर पर रखा गया था, जैसे आपने भी उस बात को कहा। मेरा सवाल जो है कि वीवीपीएटी की जो पर्चियां थी, जिसको काउंटिंग करने के बारे में भी काफी सारी बात चल रही थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में भी अरोरा के द्वारा सही तरीके से कोई बात नहीं कही गई, और वो वीवीपीएटी के पेपर ट्रेल भी डिस्ट्रॉय करने का काम अरोरा के द्वारा किया गया, ये भी आरोप उनके ऊपर लगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ने हर प्रकार का डाटा डिस्ट्रॉय करने का काम सुनील अरोड़ा ने किया। सुनील अरोड़ा ने ये आपराधिक काम किया है, और इस आपराधिक काम को करने के वजह से ही नरेंद्र मोदी उनको बख्शीश दे सकते हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ईवीएम मशीन, मैंने ये आरोप लगाया था कि ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, ये आरोप मैंने लगाया था। जी, इस आरोप के तहत चुनाव आयोग ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट की तरह चुनाव आयोग को भी मिलना चाहिए, ऐसा कहा। हाँ सर, समय ये बातें आई थी। हाँ जी, चुनाव आयोग की तरह हमको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने का अधिकार देना चाहिए, ऐसा मांग चुनाव आयोग ने किया था। जी, अभी मद्रास हाई कोर्ट ने जो कहा कि इनके ऊपर मर्डर के मुकदमे के ये जा सकते हैं, जानी चाहिए कोविड प्रोटोकॉल को लेकर, इतना गंभीरता से इन्होंने काम गंभीर किया है, इससे पता चलता है कि केवल अब साधारण लोग ही आरोप नहीं कर रहे हैं, पार्टियां नहीं कर रही हैं, बल्कि मद्रास हाई कोर्ट जो देश में बहुत माना हुआ कोर्ट माना जाता है, उसको भी ऐसा किया जा रहा है, उसके द्वारा भी ऐसा कहा गया। और जब ये चुनाव आयोग के लोग मद्रास हाई कोर्ट में गए कि इससे चुनाव आयोग की प्रतिमा मलिन हो गई है और मीडिया पर कार्रवाई किया जाए, तो मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट अपने स्टैंड पर कायम है और मीडिया पर किसी प्रकार का कोई आरोप, किसी कार्रवाई करने से लिए इनकार कर दिया। तो चुनाव आयोग की जो इमेज है, चुनाव है, वो अगर तुलना किया जाए टीएन सेशन और अब, तो ये पोल सपाट है, यानी टीएन सेशन के विरुद्ध एकदम एक टोक है। इतना घटिया किस्म का लेवल बनाया नरेंद्र मोदी के काल में चुनाव आयोग ने, जो बहुत ज्यादा गंभीर काम क्या किया, चुनाव आयोग अपना कोई फैसला नहीं कर रहे थे, भारत सरकार फैसला कर रही थी, नरेंद्र मोदी की सरकार फैसला कर रही थी और चुनाव आयोग उस पर अमल कर रहे थे जी, ऐसा दिखाई दे रहा था मोदी सरकार के। बहुत दुखद बात है ये, मोदी सरकार के एक मंत्रालय के तौर पर ही चुनाव आयोग काम करता रहा, उनके सबॉर्डिनेट। चुनाव आयोग एक डिपार्टमेंट के तौर पर, जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट है, उसी तरह से भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है और नरेंद्र मोदी उसका बॉस है, ऐसा कहकर काम कर रहे थे। इतना घटिया लेवल गिरा दिया था। जी, अभी सुनील अरोरा के बारे में एक और जानकारी सामने आ रही है कि उन पर राजस्थान के जयपुर में 300 करोड़ के घोटाले का एक केस चल रहा है, अभी भी वो चल रहा है मैजिस्ट्रेट लेवल की, उसकी जांच हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसी का फायदा उठाकर नरेंद्र मोदी ने
सुनील अरोरा इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया और फिर मनचाहा काम उनसे करवा कर लिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे इसका डाटा स्पष्ट नहीं है, क्या आप लोगों के पास इसका डाटा है? कोई डाटा आपके पास आया है कि ऐसा कोर्ट में केस है? जी कोर्ट में केस है इसका, 2014 में ही वो केस दायर किया गया था, उसकी कॉपी हमारे पास है, हम आपको तो भी अगर ऐसा है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जानबूझकर सुनील अरोड़ा को फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। जी एक तो ये बात प्लान बनाकर किया गया, तो इसमें अगर ऐसी बात है तो ये बहुत दुखद बात है कि कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। जी कांग्रेस का विरोध सामने नहीं आया जी। तो इसका मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए कांग्रेस का भी साथ सहयोग है। अब कांग्रेस वाले अगर बोम करते हैं तो उस बोम करने का भी कोई मतलब बनता नहीं, और इसी वजह से सुनील अरोड़ा भारत सरकार का डिपार्टमेंट के तौर पर काम करता रहा है, ऐसा कंक्लूजन निकाला जा सकता है। दूसरी बात, अब रिटायरमेंट के बाद वो केस फिर चलेगा जी, तो वो केस ना चले इसलिए उसको गवर्नर बनाया जा सकता है अगर ये केस है तो, और जब गवर्नर बनाया जाएगा तो फिर केस चलना बंद हो जाएगा जी बिल्कुल। तो ये बचाने के लिए नरेंद्र मोदी हो सकता है उसको गवर्नर बनाए जी। अगर ऐसा होता है तो इसके विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट में और भारत बंद की योजना पर काम करेंगे जी सर जी, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है जी। चुनाव आयोग के बीच में कुछ मतभेद भी हमें देखने को मिले, अशोक लवासा जो कि चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा थे, उनके बीच में भी मतभेद हुए मोदी जी पर कार्रवाई करने के मामले में। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो आचार संहिता का भंग हुआ था मोदी जी के द्वारा वर्धा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस वक्त भी हमने ये देखा है, और उसके बाद अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, यानी वहां से उनको हटा दिया गया। तो ये एक अलार्म के तौर पर देखना चाहिए था देश को, मीडिया को या सुप्रीम कोर्ट को, कि चुनाव आयोग जो है वो मोदी सरकार की तरफ झुक रहा है या उनके दबाव में आकर काम कर रहा है, इसको एक अलार्म की तरह एक देखना चाहिए था सभी लोगों ने, ऐसा आपको लगता है? लवासा को, क्योंकि लवासा इनके सुनील अरोड़ा के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने वाले थे जी, मतलब बनने वाले थे जी। और अगर वो बनते तो आने वाले जितने भी चुनाव है वो चुनाव में जो फायदा नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए था वो मिलने के लिए कोई फायदा नहीं मिलता जी, इसलिए उसको ऐसा किया गया, लवासा को वहां से चेंज किया गया जी। ये भी एक बहुत बड़ी दुखद बात है कि अपोजिशन पार्टी जो मेन अपोजिशन है कांग्रेस, उसने इसका कोई इश्यू नहीं बनाया जी सर, मुझे तो उनका कोई कमेंट है ये भी पता नहीं चला जी। लेकिन एक अलार्म के तौर पर जो मीडिया है, न्यायपालिका है या भारत की जनता है, वाले भी अभी जो बहुत सारा मीडिया है, 90% जो मीडिया है जी, वो तो भोपू नरेंद्र मोदी का भोपू बनकर काम कर रहा है जी जी। और इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया को खबरें देने वाला मीडिया स्वीकार किया है, और उसकी खबरों के ऊपर अगर कोई कार्रवाई करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, ऐसा न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के द्वारा, ये अभी कल का ही फैसला है जी जी। ये बहुत खुशी की बात है कि इस तरह से प्रोटेक्ट करने का काम सोशल मीडिया को किया गया और सोशल मीडिया की खबरों को रिलायबल माना गया जी। मिश्रम साहब, पिछले दो चुनाव को अगर हम देखें, खास तौर पर 2014 के बाद में, तो बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स थे, सर्विसेज में रहने वाले, सेक्रेटरिएट में काम करने वाले या रेवेन्यू सर्विसेज में, पुलिस सर्विसेज में काम करने वाले अधिकारी भी नौकरी छोड़कर या रिटायरमेंट के बाद में एक्टिव पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो रहे हैं, और बीजेपी के द्वारा उनको पार्टी टिकट भी दिया जा रहा है। बॉम्बे के कमिश्नर रहे हुए सतपाल, उत्तर प्रदेश से सदा मतलब बीजेपी के मेंबर चुनकर आए, एक जो जयशंकर है उनको तो फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, वो
पूर्वी के जो है पूर्वाश्रम के ब्यूरोक्रेट्स रहे हुए, फॉरेन मिनिस्ट्री में काम किया हुआ, तो उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। और अभी ये दूसरा एक ट्रेंड हमको देखने को मिलता है कि जो जुडिशरी या इलेक्शन कमीशन हो या ऐसे दूसरे सीबीआई या ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं से जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं उनको राज्यसभा में या तो गवर्नर बनाकर पॉलिटिकली एडजस्ट किया जा रहा है। तो ये जो है एक तरह से, जैसे आपने भी पिछली बार इसका अभी बोलते समय उल्लेख किया कि ये तो एक लालच है कि आप प्रो गवर्नमेंट रहो तो आपको रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट दिए जाएंगे। इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है उसकी जो स्वायत्तता है उसका जो एक फ्री फेयर एंड तरीका होना चाहिए काम का, उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रूल ऑफ लॉ जो है ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ में है। अच्छा, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जो अधिकारी काम करेगा उसको बख्शीश मिलेगा, ऐसा मैसेज दिया जा रहा है। खुलकर ये बातें हो रही है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करने वाले लोग फिर प्रोत्साहित हो जाएंगे ऐसा गलत काम करने के लिए। तो ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि इस केस को हम लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और इस पर भारत बंद और बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इसके लिए कानून बनाया जाए या सुप्रीम कोर्ट फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का अधिकार जो भारतीय प्रजा का है वो खुद ऑर्डर करे। मगर सर इसमें जैसे ब्यूरोक्रेसी के ऑर्डर करे, दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि जैसे फॉरेन सर्विस के लिए, वन सर्विस के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पुलिस सर्विस के लिए, ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए सर्विस है, वैसे इलेक्शन के लिए इंडिपेंडेंट सर्विस यानी आईईएस इंडियन इलेक्शन सर्विस शुरू किया जाए। ये केस मैं लेकर जाना चाहता हूं, ये इस पर प्लान कर रहा हूं, आईईएस यानी इंडियन इलेक्शन कमिश्नर। तो इससे क्या होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो लोग हैं उन पर अपने आप पाबंदी लग जाएगी इलेक्शन कमीशन में लाने के लिए। और इससे क्या होगा कि इंडियन इलेक्शन कमिश्नर के जो लोग हैं वो उनके ही सर्विस के लोग रहेंगे, उसी काम के लिए रहेंगे, और उसका कानून पहले से ही बना दिया जाए कि उनको भी किसी पॉलिटिकल पोस्ट पर नहीं लिया जाएगा। तो इंडिपेंडेंट सर्विस होने से क्या है कि उनकी हाजी हाजी करने वाले जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो अधिकारी है उनको अपॉइंट करने का अधिकार भारत सरकार का खत्म हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन वास्तव में ऑटोनॉमस स्टेटस का हो जाएगा जी। तो ऑटोनॉमस स्टेटस की सर्विसेज जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑल ऑटोनॉमस सर्विसेज, जितनी भी ऑटोनॉमस सर्विसेज है या इंडियन इलेक्शन सर्विसेज के बजाय इंडियन ऑटोनॉमस सर्विसेज, जितने भी ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट है वो सारे ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इससे भारत की प्रजा को रूल ऑफ लॉ का जो मौलिक अधिकार है और डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है उस पर अमल करना आसान हो जाएगा। सर जिस तरीके से ये सारी सर्विसेज के लोग सर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट हो, अलग अलग संस्थाएं अपनी स्वायत्तता, हाँ सर मैं सवाल दोबारा ये कहना चाहूंगा कि क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत की सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का खासतौर पर जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी जो है ये एक पतन की तौर पर जा रही है या उनकी जो स्वायत्तता थी या जो संवैधानिक जिम्मेदारी उनके ऊपर थी वो पूरी तरह से उन्होंने छोड़ दी है और एक हम लोग एक स्पाइनलेस ब्यूरोक्रेसी और स्पाइनलेस जुडिशरी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, मेरा दूसरा कहना है 80% इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का भरना है, उसकी वजह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का सत्यानाश हो गया। ये पाइनलेस नहीं, प्रो ब्राह्मण सर्विस है, इस वजह से सत्यानाश हो गया। ब्राह्मण रूल ऑफ लॉ का समर्थक नहीं हो सकता जी। ब्राह्मण का जो बिलीफ सिस्टम है, ब्राह्मण का जो वैल्यू सिस्टम है, विश्वास का जो सिस्टम है ब्राह्मण का, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है जी।
और इस वजह से 80% जो, क्योंकि ये ईवीएम है, देखो ईवीएम का घोटाला जब तक उसके फेवर में कानून ना बनाया जाए तो इसका मतलब है पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसमें शामिल है, पार्लियामेंट को उन्होंने शामिल करवा लिया जी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग उस पर अमल करते हैं तो वो शामिल है जी, जुडिशियरी के लोग उसके अंदर शामिल है क्योंकि तो उनको भी गवर्नर बनाया गया और वो भी सुविधाजनक फैसले देने का काम कर रहे हैं जी। दो चीफ जस्टिस ने ऐसे फैसले दिए, एक रंजन गोगोई, एक पी सदाशिवम, दोनों अभी अपने ही 8 अक्टूबर 2013 का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अपने ही फैसले के विरोध में फैसला दिया जी। जो मतलब 1% जो पेपर ट्रेल से मैच करने का जो फैसला है, ये 8 अक्टूबर का जो फैसला है उसके विरोध में फैसला दिया, अपने ही फैसले के विरोध में जी। और वो फैसला कॉन्ट्राडिक्टरी है, 8 अक्टूबर 2013 का फैसला फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के लिए है जी, और जो 1% मैच करने का फैसला, इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता जी। ये फैसला विरोध में है। पी सदाशिवम के दौरान जो फैसला देने वाला बेंच था, दो जज, उसमें भी रंजन गोगोई शामिल थे और रंजन गोगोई जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने उसके विरोध में फैसला दे दिया जी। हैरान करने वाली बातें हैं जी सर। और इन लोगों की वजह से जुडिशियरी का सत्यानाश हो रहा है जी सर जी। जस्टिस बोबड़े जो है उसका दादा आरएसएस का ऑल इंडिया का लीगल विंग का हेड था और उसका पोता चीफ जस्टिस हो गया और उसके दौरान इतनी बहुत सारे केसेस के सामने गए, उसकी हियरिंग ही नहीं किया जी। न्याय का अधिकार मौलिक अधिकार है मगर उन्होंने ओपन कोर्ट ओपन करने का ही फैसला नहीं किया जी सर जी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड जी जी, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी सर काफी बहुत चर्चा है कि पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का चुनाव आयोग ने विरोध किया, उसके बाद ऐसा था, देखो एक समय ऐसा था जी कि उद्योगपतियों से इलेक्शन के लिए कोई चंदा नहीं लिया जाएगा, ऐसा भी कानून जी, था। ये कानून बदला गया तो इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस ने उठाया जी, और आज सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी वाले उठा रहे जी। जब कांग्रेस की सेंट्रल में गवर्नमेंट थी तो वो बीजेपी को फंड नहीं मिलने देते थे, अब बीजेपी की सरकार है तो वो कांग्रेस को फंड नहीं मिलने दे रहे जी। जी बाकी लोगों का तो छोड़ो, बाकी पार्टियों का तो छोड़ो, रीजनल पार्टियों का तो कोई उसमें सवाल है ही नहीं। हाँ, उद्योगपतियों से पैसा लेना एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, चुनाव में कई कई हजार करोड़ रुपया खर्चा हो रहे हैं, ये साला काला धन है जी, और काले धन के आधार पर बीजेपी को और कांग्रेस को और कांग्रेस को और बीजेपी को फायदा होता रहा है, अन्यथा ये पार्टियां चुनाव जीत नहीं सकती जी सर। इतने बड़े पैमाने पर खर्चा करती है, इतने बड़े पैमाने पर खर्चा करती है, इतने बड़े पैमाने पर खर्चा करती है कि वोटर्स को लगता है या तो बीजेपी जीतेगी या तो कांग्रेस जीतेगी जी। अभी तो फिर वोटर ऐसा सोचता है या तो कांग्रेस को वोट देना चाहिए या तो बीजेपी को देना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ये भ्रष्टाचार के आधार पर चुनाव जो है भारत के हो रहे हैं और जितवाए जा रहे हैं जी। काशीराम जी कहा करते थे मनी माफिया और मीडिया जी, ये त्रिकुट जो है ये चुनाव जितवाने का काम करता है, ये 200% सही बात है जी। अब उसमें मशीन जोड़ा गया है एक, उसमें हम लोग ये कह सकते हाँ ये मशीन जोड़ा गया है जी। अभी एक मनी माफिया मीडिया और मशीन अब ये तीन चार हो गए, चार एम हो गए जी। अभी एक आखिरी सवाल है कि नए चुनाव आयुक्त जो है वो सुशील चंद्रा बने हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता खो गई है या मलिन हो गई है वो फिर से हासिल करने के लिए सुशील चंद्रा एक
लायक चुनाव आयुक्त बनेंगे, आपका उनके बारे में क्या राय है? अगर लवासा की तरह सुनील अरोड़ा के दौरान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चंद्रा के द्वारा व्यक्त किया गया होता तो ये उम्मीद की जा सकती थी जी, क्योंकि फैसले तो सुनील अरोड़ा अकेले नहीं ले रहे थे जी, फैसलों में तो ये भी शामिल थे, इसलिए ये उम्मीद बेकार है जी कि इनके समय में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होगा। अगर इनके द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता था तो फिर नरेंद्र मोदी लवासा को ट्रांसफर क्यों करता जी? उसको लाने के लिए तो ट्रांसफर किया गया, इसका मतलब है इसके द्वारा भी उनको फायदा होगा ऐसा वो सोचते हैं 2024 के, हो सकता है 2024 तक ये रहेगा, हमें पता नहीं वो कब तक रहेगा, अभी उसका टेन्योर पता नहीं है। बंगाल के चुनाव में अभी जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उस विधानसभा के चुनाव को कोविड प्रोटोकॉल की वजह से रिस्ट्रिक्ट करने की भी बहुत सारी पार्टियों की तरफ से डिमांड की गई थी, मगर चुनाव आयोग के द्वारा इसका इनकार किया गया और लगातार बीजेपी को फायदा हो इस तरीके से ये सारी बातें चलाई गई। तो जो आप बात कह रहे हैं कि चंद्रा के से कोई उम्मीद नहीं है, ये तो हमने बंगाल के चुनाव में ये देखा हुआ, बंगाल के चुनाव में भी देखा और मद्रास हाईकोर्ट के कोर्ट में जाने के वजह से ऐसा लगा कि उनको कोई लज्जा शर्म है ऐसा लगता नहीं है जी, इससे जो सबक सीखना चाहिए इससे कुछ लेना चाहिए ग्रहण करना चाहिए ऐसा लगता नहीं है जी सर। और मद्रास हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उनकी प्ली को जी। तो ये थे वामन मिश्रम साहब, हमसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनकी तरफ से जो सुनील अरोरा उन पर काफी सारे जो आरोप लगे पिछले 2-3 सालों से वो मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर उन्होंने काम किया और उन्हीं के दौरान उन्हीं के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो है वो खो गई थी। सुशील चंद्रा अभी नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं लेकिन उनसे भी खासी उम्मीद नहीं जताई जा रही है, लेकिन अभी ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि वो किस प्रकार से काम करते हैं, क्या वे भी मोदी सरकार का एक डिपार्टमेंट या मोदी सरकार का एक पपेट बनकर काम करते हैं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए अब इस चर्चा को हम यहीं पर रोकते हैं। मैं वामन मिश्राम जी का और कुमार काले सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमें समय दिया, शुक्रिया।